वापिस आते ही फिर वही स्टार्ट हो जाता भाई, एक दूसरे को पानी फेंकना। लोगों ने ऐसे पूरे पूरे बॉक्स भरे हुए हैं, और एक चीज़ और, इसमें आइस डालते हैं ना ये, ताकि पानी ठंडा भी रहे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सारे एक ही लेवल में एंजॉय कर रहे भाई। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम थे पताया में, और हम दिखाने वाले हैं आपको एक यहाँ का फेस्टिवल, जो वाटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, और हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं होली। तो आप देखोगे पताया की होली। और भाई हम रुके हुए हैं जिस कैप्सूल होटल हॉस्टल में, ये सेपरेट कैप्सूल होते हैं सबके, इस तरीके से सामान रखने का ऊपर है, इधर लाइटें वगैरह, ये मिरर है सामने सामान रखने के लिए है, और एक कंफर्ट बेड बढ़िया शूज़ के लिए, और अपने पर्सनल के लिए लॉकर दे रखा बाहर। तो भाई अभी चलते हैं बाहर, और भाई यहाँ से है ना सीधा बीच व्यू दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सामने जो योट्स वगैरह खड़ी हुई ना, ये अभी तो नहीं दिखेंगी, मैं दिन में आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। अभी यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ी पताया की गलियाँ और यहाँ का फेस्टिवल। तो लेट्स गो। ये अपने लॉकर, अपना जो कीमती सामान है वो रखो इसमें, तो ये बैग हम रख देंगे इसमें, और इसको छोड़ के यहीं पे, और फिर निकलेंगे। ये लॉक हो गया तो अब नहीं खुलेगा, बट ये कार्ड केयर करना बहुत ज़रूरी है भाई। तो अभी चलते हैं ऊपर, ऐसा सिटिंग एरिया इधर सब के लिए, उधर भी है इधर भी है, और ऊपर है इसमें कैफ़े वगैरह, तो उसमें जाएंगे हम बाद में, पहले जाएंगे हम बाहर। तो ये अपना दूसरा शूज़ वगैरह के लिए, चप्पल के लिए लॉकर, तो ये अपना है 414। अब चलते हैं बाहर की तरफ लिफ्ट लेके। इतना भयंकर खराब हो रहा है, आपको आवाज़ भी पता लग ही रहा होगा, गला बिल्कुल खराब है, बट भाई इस फेस्टिवल को तो छोड़ नहीं सकते, मैं अदरवाइज मैं फुल डे रेस्ट करता और फिर निकलता, पर चलो कोई बात नहीं यार, ये भी चलता है लाइफ टाइम। स्ट्रीट का नज़ारा और लोग जा रहे हैं, देखो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, या तो खेल के आ रहे हैं होली, या खेलने के लिए जा रहे हैं, ये देखो सभी ओला, सभी के सभी उधर भी इधर भी। और देखो भाई पूरे रोड भी गीले कर रखे हैं, तो अभी चलेंगे हम उस साइड में ना, जो ऐसे पानी वगैरह भर के रखते हैं कैन वगैरह, और जब लोग आसपास चलते हैं तो उससे, जैसे गन से हम खेलते हैं ना वहाँ पे वाटर गन, वैसे ये सभी खेलते हैं। देखो सभी के हाथ में मिलेगी आपको वाटर गन, तकरीबन सभी लोग लेते हैं और खेलते हैं। देखो भाई लोग बढ़िया डीजे वीजे बजा के निकले, ये देखो सभी ऐसे चले, और ये आगे जा कहीं नहीं जाते, ऐसे ही घूमते रहते, बस एक जगह से दूसरी जगह लोगों पे पानी मारते रहते, सबके हाथ में पिचकारी होगी इस तरीके से। तो अभी निकलेंगे बाहर तो दिखाते हैं आपको, ये देखो अभी आ गए बीच एरिया पे, देखो इस साइड में पूरा बीच है, पीछे क्रूज वगैरह की लाइटें जलती हुई दिख रही होगी, और ये है पूरी मार्केट। पता है कि ये अपना हॉस्टल था, नॉन्ज लगा लो कुछ भी लगा लो। तो ये देखो भाई कितने इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और लोग है ना ऐसे ही पिचकारी लेके घूमते हैं, बेसेल करते हैं, और देखो एक दूसरे पे पानी फेंकते रहते हैं ऐसे ही। आई थिंक कवर खरीद लेना चाहिए, तो पहले कवर खरीदते हैं फिर चलेंगे कहीं, क्योंकि ये फ़ोन और ख़राब हो जाएगा नहीं तो। पचास फाइव वाट में, ताकि इसमें पानी वानी ना लगे, और ठीक है यार ये आगे भी कहीं ना कहीं अपने काम आ जाएगा, क्योंकि ये थैली तो मेरे पास थी, पर ये ज़रूरी था भाई, क्योंकि ये फ़ोन को ही सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी कभी भी पानी डाल देते लोग, देखो सबके हाथ में बंदूक लेके घूम रहे लोग। तो भाई इधर तो अपना ये थोड़ा हमने करेंसी वगैरह एक्सचेंज कराई थी, और अब जा रहे हैं आगे मार्केट की तरफ, तो मार्केट में तो ठीक है, मतलब लोग एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहे, जिनको लगता है अपना आराम से खेलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं पानी, ऐसा नहीं कि मतलब एक दूसरे को तंग करें या ज़बरदस्ती करें,
बस दूर से खड़े होते हैं लोग, पानी मारते हैं और सभी लोग देखो मस्त होके घूम रहे हैं। क्या पर इसका एक नुकसान है कि इसको वैसे तो सेफ रख सकते हो, लेकिन जब आपको फोन चलाना है ना तो आपका माइक यूज नहीं होगा। अगर आपको माइक यूज करना है तो आपको इससे बाहर निकालना ही पड़ेगा। और लोग देखो ऐसे ही, ये देखो भर भर के जा रहे हैं गाड़ियां और ऐसे घूमते रहते हैं, कोई मतलब पर्टिकुलर जगह नहीं है। ये देखो इधर बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे ही जिस पे दिल किया उस पे मार देते। भाई पताया का भी AYA बच गया है, बाकी लाइटें बंद हो रखी हैं। ये देखो सिर्फ 3 वर्ड दिख रहे हैं इसके पताया के। क्या क्या कर दिया दे। और भाई नोट किए आगे लोकल खेल रहे हैं, मैक्सिमम जो बाहर से आए हुए ना वो सभी लोग खेल रहे हैं। लोग स्पेशल यहाँ पे होली खेलने के लिए आते हैं, मतलब जिस ये जो फेस्टिवल है इसको एंजॉय करने के लिए आते हैं। उसका नाम कुछ भी दे सकते हो आप, बट हम कह रहे हैं कि थाईलैंड की होली। लॉट ऑफ पीपल साहब, आपस में कलर तो यूज करते हैं बट एक सिर्फ व्हाइट ना। अब चलते हैं दूसरी साइड में क्योंकि इधर तो खत्म हो गया। आगे फॉरनर भी सारे खेल के ही आ रहे हैं अभी। ये देखो जैसे ये है, ये पानी फेंकते हुए चलेंगे ऐसे एक दूसरे में। ये भाई वॉकिंग स्ट्रीट है आगे, पर यहाँ पे इतना ज्यादा अभी जाना ही नहीं है तो पहले घूम के आते हैं, आसपास देख के आते हैं क्या कुछ है। और भाई पुलिस देख आराम से खड़ी है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। है वो उसी साइड में है, सारा लोग यहाँ तक आए हैं पर इसके बाद वापस जाते वहीं पे है। हाल चल रहा है देखो लोग डांस। ये वॉकिंग स्ट्रीट है, अभी तो स्टार्ट हुआ है वॉकिंग स्ट्रीट, इवनिंग नाइट अभी चलेगी और आज वैसे भी ये सबसे ज्यादा होती है फ्राइडे सैटरडे। ये देखो कितना पानी गिरा दिया आज, लोग देखो कैसे भर भर के रखा हुआ है। भाई सभी खेल रहे हैं मस्त हो गए, गीला तो भाई होगा ही पड़ेगा ऐसी जगह पे अगर इस फेस्टिवल का मजा लेना तो। ये देखो भाई
मार्केट में भी अभी तो यही चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे शाम बढ़ेगी ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ती है। अभी तो खाली पड़े हैं, क्लब भी है देखो सारे। और भाई इंडियन भी यहाँ बहुत ज्यादा है, जबकि उसमें नहीं थे अपने, तो मच बैठ रहे वहीं जाओ भाई। होली की तरह ही बस ये है कि थोड़ा लोगों को बहुत ज्यादा पुश नहीं किया जाता, जैसे अपने वहां तो जबरदस्ती हो जाती, पी के ड्रामे हो जाते, यहाँ वो उस टाइप का कुछ भी नहीं है। यहाँ तो लोग अपना आराम से इंजॉय कर रहे हैं, पानी मार रहे हैं एक दूसरे में, बस कल्चर था ना वहाँ पे, वो सामने टेबल बिछा के मस्त हो गए लोग, एक दूसरे का मजा करते थे ना, मतलब जो चिलिंग्स फील आती थी ना रोड पे बैठ के, वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। बस थोड़ी थोड़ी बस ऐसे ही मतलब खेलते रहते, ये कि कपड़े तो खराब हो ही गए पर मजा आ रहा भाई देखने में। कैसी हो रही है बीच में, थोड़ा आगे चलते हैं फिर बताते हैं आपको। मार्केट भी है ना वो भी वहाँ से तो कोचिंग से तो काफ़ी वो कम लगी, जो अपना इसका था अपना क्या बोलते हैं स्ट्रीट थी ना आगे, बस मार्केट तो आ गई, मार्केट तो काफ़ी बड़ी है, पर जो बाहर पब वगैरह वो थे ना वो कम है थोड़े, तो हो सकता है अलग अलग भाई, तो हो सकता है मंडे ट्यूजडे है तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता, बट यार एक फील होती है ना, वो फील मेरे को तो नहीं लगी कहीं भी इसके मुकाबले, क्योंकि मैं वहाँ देख के आया हूँ तो इसलिए यहाँ कम लग रही है, अदरवाइज है तो सही, लोग मज़े तो कर रहे हैं। इस फेस्टिवल के कारण तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट बाकी तो वैसे तो कुछ नहीं है भाई, मैं कहता हूँ वियतनाम के मुकाबले अगर वैसे नाइट लाइफ को देखा जाए तो। छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सारे एक ही लेवल में एंजॉय कर रहे हैं भाई, लोग पानी मार रहे हैं, बट मज़ेदार था भाई ये एक्सपीरियंस भी अलग ही होता है, पर आज लास्ट है तो बस आज ख़त्म हो जाएगा, कल से नॉर्मल हो जाएगा। अच्छी घूम रही थी वो, मेरे को भी लगाई गई, पर कोई बात नहीं यार चलता है, एंजॉय करने आए हुए तो इतना तो बनता है उनका। तो यहाँ तक ही है, इससे आगे जो स्ट्रीट है वो एंड हो जाती है, सबसे लास्ट है। चिकन कुंग्स फैमिली आगे, यहाँ आके एंड हो जाता है अपनी जो वॉकिंग स्ट्रीट है, ठीक है यार एवरेज है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं। पूल पार्टीज वगैरह हो रही है तो पूल पार्टीज कर सकते हो, वही मतलब जैसे अपना गोवा में और उसमें होता है वही सेम सिस्टम है, नथिंग डिफरेंट। ये तो हो चुकी है एंड, और अब तो निकलते हैं वापस अपने बीच की तरफ और वहीं देखते हैं अपना कहीं आराम से बैठते हैं, थोड़ा वो करते हैं। एक तो मेरा गला ख़राब है भाई, बार बार आवाज़ भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मतलब ढंग से आवाज़ ही नहीं आ रही। तो आगे चलते हैं, तो आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं आगे नज़ारे जाते वक्त और फिर निकल जाएंगे भाई। वापिस आते ही फिर वही स्टार्ट हो जाता भाई, एक दूसरे को पानी फेंकना, लोगों ने ऐसे पूरे पूरे बॉक्स भरे हुए हैं, और एक चीज़ और इसमें आइस डालते हैं ना ये, ताकि पानी ठंडा भी रहे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। Yeah.
भाई मजेदार है ना, देखने में बड़ा मजा आता है। सभी बच्चे बूढ़े बड़े सभी एक ही, बस एक दूसरे को भिगाने पे लगे हुए हैं। सभी गुंडों की तरह भाई, वैसे तो निकल गया था बट लास्ट में फंस गया, वो पूरा गीला कर दिया भाई, कपड़े टपकने लग गए। अब तो कोई बात नहीं भाई, अब देखते हैं। ये देख अंकल जुंगो भी आ रहे हैं। तो ये देखो भाई, ये जो है मैन स्टील, लास्ट में पहुंचते पहुंचते हाल बुरा कर ही दिया भाई। अरे तो मतलब मजा आ रहा है देखने में भी और खेलने में भी। खेलने में तो मैं देखो वहाँ पे भी इंडिया में भी इतनी ज़्यादा नहीं खेलता। ये देखो पीछे सारा, जहाँ तक देखोगे आप सभी लोग वही खेलते ही मिलेंगे आपको। तो अच्छा है भाई, आना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद 5 या 7 दिन के लिए होता है, तो अगर आप उस टाइम में ट्रैवल कर रहे हो तो ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, चाहे बैंकॉक में हो चाहे पटाया में हो कहीं भी हो, ये सेम ही रहता है। पूरी तो स्ट्रीट ही है, तो अलग अलग उनके हैं। बस भाई मोस्टली लोग यहाँ तक ही, यहाँ लोग आते हैं खेलते हैं और निकल जाते हैं। रास्ते में भी लोग एंजॉय करते हुए आते हैं, पर ये स्ट्रीट की शुरुआत है और यहाँ से आ गया अपने वाला रोड। ये देखो भाई, अभी तो लोग आ रहे हैं खेलने के लिए, तो हो सकता है हम एक राउंड बाद में मारें, बट नॉट श्योर भाई, क्योंकि थके हुए थे दिन में भी, सिर्फ अब आके भी 2-3 घंटे ही सो सके। अब भाई साहब, भाई भी आए हुए खेलने होली, इस पे तो पानी भी एक टंकी लगेगा। तो भाई वापस आ गए अपने बीच एरिया पे, तो सारे केकड़े बेच रहे भाई। तो अभी चले गए भाई बीच एरिया, तो आपको दिखाते बीचेस का हाल क्या है। देखो भाई ये है बीच, पूरा भरा पड़ा है लोगों का। इस टाइम तो सभी लोग आते हैं, क्योंकि भाई दिन में तो बहुत गर्मी होती है, दिन में तो लोग आ ही नहीं पाते, तो शाम को आते हैं लोग अपनी बैठ के पार्टी करते हैं बढ़िया मस्त, जहाँ इच्छा होती है लोगों की वहीं पार्टी। सभी की अपनी ओन है, सब अपना आराम से बियर दारू जिसको जो पीना है आराम से बैठ के पीते हैं। चलते हैं थोड़ा बीच में, लोग काफ़ी बैठे हुए हैं तो हम भी थोड़ी देर वहीं बैठते हैं, आराम से बैठेंगे एंजॉय करेंगे। भाई मज़ा आता है ऐसे बीचेस में पास में बैठ के, देखो लोग, आप देखो दूर दूर तक लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये देखो अपने इंडियन, तो मोस्टली इंडियंस भाई, मैक्सिमम इंडियंस है, बहुत बहुत ज़्यादा, जहाँ पे भी पार्टी देखोगे आप इंडियंस की देखोगे। आराम से अभी नहा रहे हैं क्योंकि अपना कलर वगैरह उतार रहे हैं, कपड़े भी खराब हो रखे हैं सबके, उनको धो रहे हैं, पर बीच में बैठे आराम से मस्त हो गए और लोग ऐसे ही घूम रहे हैं चारों तरफ। देखो Oh
फेस्टिवल सेम ही है, लोग अभी भी वही कर रहे हैं, खेल रहे हैं आराम से। भूख लगी हुई थी तो भाई बना रहे पैनकेक। पुलिस की गाड़ी घूम रही है बट वो टूरिस्ट पुलिस है तो मतलब वैसे वैसे ही चेक के लिए तो खाते हैं, एंजॉय करते हैं, देखते कैसे लगता है। बढ़िया भाई, स्टार्टिंग रेट में भी है, रखा भी है, ऐसे ही चलता रहेगा। अभी निकलते हैं अपने होटल की तरफ क्योंकि भाई लग रहा कि मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो दवाई लेते हैं कहीं से और फिर निकलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। रास्ते में मिल ही जाएगा मेडिकल स्टोर कहीं ना कहीं। और ये देखो भाई, एक म्यूजिक सिस्टम चला हुआ है और उसके आगे आगे सभी चले हुए हैं। इंडियन रेस्टोरेंट तो इतने हैं, ये देखो महाराजा भारतीय भोजन तो जहाँ भी जाओगे इंडियन खाना तो यहाँ आसानी से मिल जाता है। जैसे भाई वियतनाम में दिक्कत थी ना, बस खाने की तो दिक्कत नहीं, टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि हो सकता है भाई मैं जिस पे गया वो सही नहीं था पर मुझे कोई इतना खास नहीं लगा। और लोग भाई अभी तो शुरू कर रहे हैं पार्टी, देखो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो सारे के सारे, तो शायद हो सकता है हम दोबारा आए। ये देखो भाई लोग एंजॉय करते हुए पानी लेके चले हुए हैं। डिफरेंट कलर ऑफ लाइफ यार, हर आदमी की एंजॉय करने का अपना अपना अलग तरीका है। 7-Eleven तो यहाँ हर जगह मिल जाता है, आपको कुछ भी खाने का पीने का कुछ भी चाहिए ना तो इसमें इजीली मिल जाता है। बियर वगैरह मिल जाती, ड्रिंक्स हार्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं मिलते। और ये देखो भाई एक और आ रहा है विद म्यूजिक। एक अच्छी चीज़ ये है कि अपनी जो लोकेशन है ना वो बिल्कुल हर चीज़ से कनेक्टेड है, वॉकिंग स्ट्रीट यहीं पे है, बीच यहीं पे है, तो सारी चीज़ें यहीं पे चल रही है, तो मस्त है। ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता क्योंकि यार ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक तो अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिन में जिस हिसाब से गर्मी पड़ती है ना हिला देते भाई। और ये सारे भाई मैक्सिमम जो लोग है ना गाड़ियों में तो लोकल ही हैं। और हम पहुंचने वाले हैं अपने हॉस्टल, वो यहीं आसपास ही है कहीं। मेरे को है ना यहाँ पे शॉर्ट्स देखी थी मैंने एक दो जगह, अगर सही रेट में मिली तो जरूर लेंगे भाई, नहीं तो भाई फिर कहीं और से देखेंगे।
मैंने यहाँ देखी थी शॉर्ट, यहाँ देखी थी कहीं शॉर्ट्स ना, तो ठीक ठाक रेट में मिल रही थी, तो अभी देखते बात करते हैं। प्राइस तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब एवरेज प्राइस था भाई, तो देखते कल दिन में लेते शायद एक आध ना, अभी तो इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, अभी तो जाके सोना ही है, कल पहन के घूम के फिर देखते हैं। हमारे पास है अभी दो तीन तीन दिन है अभी, ये तो हमारे पास तीन क्या चार ही दिन पड़े हैं ऑलमोस्ट, एक ही दिन गया आज आज का कल में और अभी तक है ना। एक्चुअल में मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था, तो चार्जिंग लगाई और अभी दिखाता हूँ आपको, सेम वही चीज़ें एग्जैक्टली चलती जा रही है, मतलब चाहे बारात के 12 बज गए चाहे 1 बज गया, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही देखो सभी गन के साथ, मस्त भाई, सब का अपना अपना कल्चर है और सब अपने कल्चर में है। बीच एरिया जहाँ नीचे हम बैठे हुए थे, सामने बीच है, ये है अपना दड़बाज का, तो ये है भाई, इसमें बैठते आराम से भाई। अब आ गए हैं, अब करना है रेस्ट, क्योंकि गला हो रहा बहुत ज़्यादा ख़राब तो सुबह देखते हैं, क्योंकि अगर गला ठीक नहीं हुआ तो सुबह कहीं जा भी नहीं पाएंगे। तो भाई इस वीडियो कर देते यही बैंड, बट आपको थाईलैंड की होली कैसी लगी ये ज़रूर बताना भाई, कमेंट ज़रूर करना, और इसी के साथ ओके बाय बाय, गुड नाइट।